कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के साथ ही गांवों में भी लोग बीमार होने लगे हैं। ऐसे में जनता कर्फ्यू का पालन शहर के साथ साथ गांव में भी करना जरूरी है। इसे लेकर ग्रामीण जागरूक भी होने लगे हैं। सड़क पर पेड़ की टहनियां डालकर ग्रामीणों ने गांवों में आने जाने का रास्ता रोक दिया। यह नज़ारा गुरुवार को CSP मनोज रत्नाकर और मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा के गाँव रोलखुद, रोहलकला और रत्नाखेड़ी के निरीक्षण के दौरान सामने आया। CSP मनोज रत्नाकर ने ग्रामीणों से चर्चा की और उन्हें बताया कि स्वस्थ रहने और बीमारी से बचने के लिए गाँव में जनता कर्फ्यू का पालन करना जरूरी हो चुका है। आपके गाँव में किसी को न आने दें। बाहर से कोई आता है और बीमार होता है तो उसकी सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग को दें। वहीं शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों को अभी टाल दें, क्योंकि अभी जिंदगी बचाने का सवाल है। सर्वे हो रहा है वहाँ पर गाँव गाँव जाके, ये तुम्हारी अहम ड्यूटी है। तुम तो परमानेंट विशेष पुलिस अधिकारी हो पुलिस की तरफ से, तो तुम्हारी ये ड्यूटी है कि कोई गांव में कोई घर में संक्रमित तो नहीं हो रहा, बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है तो यही साथ तो हमको तत्काल खबर दो। आप गांव में बुराई नहीं लोग, लेकिन आप चुपचाप बता दो, पवार साहब को बता दो, तुम्हारे उनका नंबर है तुम्हारे पास, यही साहब का, पवार साहब का। सर मेरा एक निवेदन था, मैं यहाँ से जस्ट लगो ही रतलाम सीमा है, अपने गाँव को क्रॉस करते मीनाउदा गाँव रतलाम का है, करमदी गाँव रतलाम का है और उन सबका ये मेन मार्ग है, तो उनको इस स्थिति में कैसे रोकेंगे सर? ऐसे नहीं रोकना, देखो रोड पर नहीं रोक, रोड पर रोक कर ब्लॉक करने का बोल रहा है। गांव यहां से निकल जाएगा आदमी थोड़े संक्रमित करेगा, वो तो जब कहीं रहेगा गांव में आके दो चार दिन रहेगा, मिलेगा गांव वालों से, उठेगा गांव वालों में रहेगा, तब होगा वो। तो रोड पर चल लें और रोड का भी थोड़ा सा ऐसा सिस्टम कर लो कि अपन सबसे बड़े जरूरी ये, क्योंकि ये तो मेन रोड है ना, इसको ना करके हम गाँव को जागृत करें। गाँव में कोई आदमी ऐसा ना आए जो रुक रहा हो, जैसा आपने बताया रतलाम का है, इंदौर कहीं का भी हो जी जी, तो वो तो ठीक है, यदि प्रशासन को बता दे वो चेक कर लेंगे आगे, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ये होता है चुपचाप रह जाता, वो संक्रमित व्यक्ति आता है, आपको हमको पता ही नहीं हो गांव में संक्रमण फैल जाएगा, तो ऐसी चीजों को रोक लगाना है अपना उद्देश्य। और यह अपन जो जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी ये बोर्ड लगा के हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई ये जनता कर्फ्यू लगा हुआ अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलिए जी। और ये गांव में आप सब लोग जागरूक कराना कि हर एक गली मोहल्ले मोहल्ले में कोई आदमी बाहर का आता है, यदि कोई बीमार है तो उसकी जरूरी जानकारी पुलिस को दें, हॉस्पिटल में दें, जिसको आप उसे समझते हो उसको दें। गांव वाले चौकीदार को बता दें, चौकीदार धीरे से आपको बता देगा, पता ही नहीं लगेगा। ये गाँव की परिवारों की, गाँव के लोगों की जिंदगी के लिए आवश्यक है। इनमें संक्रमण फैल गया तो फिर दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं करना, वो भी अपने भाई बहन है, लेकिन अपने सतर्क रहते हुए आने देना है जो संक्रमण से बीमार है, आया है खबर दे दो, उसकी जाँच हो जाएगी। अब रिश्तेदार है, रिश्तेदार कोई तो आ रहा है, या एक काम सर कर सकते हैं सर, जो रूढ़ीवादी रास्ते चले आ रहे करम जी से, जो रतलाम सीमा से अपने उनका मेन रोड हिस्सा होते हुए, तो उसको अपन बीच में आएगा तो आएंगे यही कर सकते हो, बताओ। बस यही हो सकता है, एक गली में ये बांध दो ताकि लोगों को रहे, ये जनता कर्फ्यू है, आदमी जाएगा तो उसको उड़ान के जाएगा, और तीन चार गली में रस्सी ऐसी बांध लो अपने गाँव। एक बार निम्बोजा तरफ थोड़ा सा सूचना भैया, आप लोग पधारी देर से जाइए, जाने से थोड़ा कम आएंगे तो इधर चले। और वैसे भी स्थिति है साहब कि अब पब्लिक खुद ही समझने लग गई है। नहीं समझ रही है साहब, नहीं समझ रही, नहीं समझ रही, नहीं समझ रही। गरम हो गया ठीक है। क्या नाम दादा तुम्हारा? मदन लाल। कौन है मालूम है? मालूम कौन है? CSP साहब है, बड़े साहब, ये साहब तो आप हैं, इसलिए बता रहे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, यही साल है CSP साल है। अब ये क्यों आए हम यहाँ पे मालूम है? जनता कर्फ्यू लगा हुआ है गांव में भी, हमको हमारे गांव की सुरक्षा करना, आप लोग भी सुन लो, गांव वालों को बता देना, हमारे को हमारे गांव की सुरक्षा करना है, इसलिए कोई भी बाहर का संक्रमित व्यक्ति आकर के हमारे गाँव को संक्रमित न फैला दे, इसलिए जनता कर्फ्यू के माध्यम से इसको यहाँ पे ये बोर्ड लगाया जा रहा है
और कोई आता है इस प्रकार का कोई आदमी है यदि, तो आपको पीआई साहब को मुझको हॉस्पिटल में किसी को भी सूचना देना है, खासी खांसी जुकाम है कोई आया है आदमी, अव्वल तो आने नहीं देना है, यदि आता है कोई रिश्तेदार है तो मना थोड़ी करोगे आप। वो तो गांव में घूम के सब ने आवाज़ लगाया है। हाँ नहीं लगा तो आए, लेकिन ये ध्यान ही रखना है यहाँ पे आपको बैठना है, आदमी एक एक आदमी को गांव वाला ही बैठा लेना है, कोई आदमी आ रहा है तो भैया बताओ किसके यहाँ जाना है क्या जाना, तभी अपना गाँव सुरक्षित हो पाएगा। अब ये आपके जीवन और आपके गाँव वालों के जीवन की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको जागृत होना पड़ेगा, और क्योंकि दादा आप हो वहाँ पे उनको भी बोलना कि गांव में सब लोग ध्यान रखें इस बात का, सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। कैसे देखिएगा तुम्हारा मोबाइल से होगा, आधार कार्ड को डालना पड़ेगा। नहीं एक मोबाइल से चार लोगों को ये चौकीदार है, ये सहायक सचिव भी, सहायक सचिव को दोनों जाओ। कितने घर की बस्ती है? 177। चौकीदार को ही बोलना तो सचिव तुम्हें तो पता होगा, मैं इसलिए पूछ रहा था। कौन कौन समाज के लोग रहते हैं? सब है, ठाकुर समाज है, महाराज समाज है, चमार समाज है, बड़े समाज। अधिकतर कौन समाज है? ठाकुर समाज। ठाकुर समाज। तो गाँव की समस्या अभी तो कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है? ये क्यों लगवाया गया है, ये क्या लिखा जो पढ़ा होगा तुमने जनता कर्फ्यू? हाँ सचिव तुम्हारा भी शुरू हो गया रोल, पहले इन्हें बोलने देना फिर तुम बोलना जनता कर्फ्यू ये क्यों लगाया, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये सब मनक को आने जाने के लिए रोकने है, रोकने के लिए। किसको? जो आने जाने बाहर से, बाहर से जो संदिग्ध आदमी है ना, संदिग्ध मतलब कोरोना से मरीज होगा, संदिग्ध मतलब ऐसा मरीज जो सर्दी खांसी बुखार हो या ऐसा कोई हो या संक्रमित मरीज हो, आदमी आए तो उसके गांव में चला जाएगा तो संक्रमण फैला देगा, तो ऐसे आदमी को क्या करोगे? रिश्तेदार के यहाँ आया तो वो गांव में आ गया तो भरा तो दोगे नहीं उसको, तुम्हारा फिर ये गाँव में सचिव और तुम्हारे तत्काल साहब को वहाँ पर पूछना, तो हमको जो किसी के लिए जो आंगनबाड़ी में घर में ऐसा ऐसा संक्रमित है, आपका नाम नहीं लिया जाएगा, चुपचाप रखा जाएगा, लेकिन उसका इलाज समय पर हो जाएगा, समय पर इलाज हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, समय पर नहीं तो वो संक्रमण फैला देगा पूरे गांव में। हमको इसका उद्देश्य चिंता कर दूँ कि हमको अपने गाँव के आदमियों को सुरक्षित रखना है, संक्रमण से नहीं फैलने देना, कोई भी संक्रमित व्यक्ति होता है तो तत्काल उसकी सूचना अस्पताल में पीआई साहब को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, तहसीलदार साहब को, पटवारी जी को, जिसको आपको उचित लगता है उसको दे दो, ताकि हम तक पहुंच जाए और हम यहाँ टीम भेज के उसका इलाज करवा दें। यदि गांव में ही रह जाएगा संक्रमित व्यक्ति और हम लोग को नहीं पता चलेगा तो वो फैलता जाएगा संक्रमण गाँव में, अभी तो कोई ऐसा आदमी नहीं है, तो गाँव को हमको सुरक्षित रखना है, बचा के रखना है, ताकि हमारे गाँव में संक्रमण नहीं आए, जिनका तो इसलिए लगाया गया है। ठीक है, दूसरी बात हो सकती है तो आराम से बात करना, आदमी आजकल परेशान है, कोई जा रहा है उनने कहा मैं जा रहा हूँ, ये बोले बीच में आ गया वो टोकने वाला, जब तक रोक दिया रास्ते मेरा, तो वो हो सकता है उत्तेजना पूर्वक थोड़ा बहुत बोले झुंझला, तो अपने को उसको प्यार से समझा, ऐसा नहीं कि अपन भी आमने सामने कर लो,
तो आदमी यदि निकला घर से बाहर तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी होगी, ये भी हमको हमारे दिमाग में रखना है। तो उसको सोचना है, समझना है, प्रेम से समझाना है कि भाई इस चीज़ का पालन कराना है, आप भी अपने गांव में पालन कराओ, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ सब गांव में फैलाना, जितने गांव के यहाँ पे आदमी खड़े हुए हैं आप लोग अपने आसपास में देखना, परिवार में देखना, कोई बीमार होता है उसका इलाज हो जाएगा, समय पर बता दोगे तो इलाज हो जाएगा, वो जीवित रहेगा। और यदि समय पर नहीं बताओगे तो संक्रमण फैलता जाएगा अंदर ही अंदर और वो स्थिति भयानक हो जाएगी और दूसरा आदमी गाँव बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो बेटा, इनमें से सच्चे महोदय को बताओ, गाँव कोटवार को धीरे से बता दो, ये हमें बता देंगे, उसका इलाज हो जाएगा, उसका अच्छा ही रहेगी उसी में, अपने गाँव वालों की भी अच्छाई उसी में। अभी सर्वे टीम किट भी बांट रही है सर, यदि आप नोट नहीं कराओगे कि हमें सर्दी है, खांसी है, जुकाम नहीं बताओगे तो वो तो आपको दवाई नहीं देगी यार। यदि आप बताओगे कि हमें खांसी है तो जिसको खांसी बुखार है तो जो टीम घूम रही है दूसरे दिन आके आपको किट उपलब्ध कराएगी दवाई की, इसलिए कोई छुपाना मत। ठीक है ना, बाकी रहो जनता कर्फ्यू के संबंध में कुछ गांव में भी ऐसी हमारे पास रिपोर्टें आई जो कि कोरोना पॉजिटिव ही मिली हैं कुछ दिनों में, तो उस आधार पर हमने जनता कर्फ्यू जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा जो आदेशित किए गए हैं उसके बारे में जागरूक करने के लिए ग्रामीण इलाके में जनता को प्लस सचिव कोटवार एवं अन्य जो ग्रामीण जन हैं उनको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है, और जो पार्टी सर्वे कर रही है वो भी दवाइयों किट दे रही है उसके बारे में वो भी बताया गया है कि आप उनको बताएं आपको कुछ भी बीमारी है तो आपको दवाई तत्काल मिल जाएगी, आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा, और कोई भी गाँव में किसी संक्रमण होता है या सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उसके बारे में तत्काल सूचना दें, अपने सचिव को दें, चौकीदार को दें, वो हमारे हॉस्पिटल में और पार्टी को बताएंगे, टेस्टिंग किट को उसमें टेस्ट करवा के उनको रिपोर्ट लेंगे और गांव को सुरक्षित रखेंगे, प्लस बाहरी व्यक्तियों को भी निगाह रखेंगे यहां पे कि कोई बाहरी व्यक्ति संक्रमित हो, यदि वो गांव में आ रहा है तो वो संक्रमण फैला सकता है, तो उस ओर भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, इस बारे में भी गांव वालों को बताया गया, और इस प्रकार से सभी एहतियात बरतेंगे तो आपका गाँव और आपके गाँववासी सुरक्षित रहेंगे। इसी के संबंध में हम लोगों ने आज रोहलपुर, रोहलकला, रतनिया, खेड़ी एवं अन्य गांव में भी जा रहे हैं इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कि जनता कर्फ्यू का पालन करें ताकि आपका गांव और आपका परिवार और आप सुरक्षित रह सकें। उज्जैन के वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में हमारे CSP साहब, SDM साहब, अन्य अधिकारी, डॉक्टर साहब वगैरह प्रत्येक गांव में भ्रमण किया था और गाँववासियों को समझाइश दी गई थी कि जो सर्वे टीम घूम रही है उससे कोई चीज़ छुपाए नहीं, जिसको सर्दी खांसी जुखाम यदि कुछ है तो तत्काल नाम नोट कराएं, दूसरे दिन उनको किट उपलब्ध कराई जाएगी, उनका इलाज घर पर ही हो जाएगा, इस प्रकार की समझाइश दी गई थी। और इसी प्रकार आज CSP साहब के हमरा हम लोग प्रत्येक गांव में घूम के जनता कर्फ्यू के संबंध में सभी को जानकारी दे रहे हैं, कोटवार सचिव और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को भी इस संबंध में जागरूक कर रहे हैं और ग्रामवासियों को भी जागरूक कर रहे हैं।